Hey everyone, welcome back to my channel. ये अपने टाटा टोरस की एक्सर ऑप्शनल वेरिएंट एंड मेरे कार को हो चुके हैं 1 साल 7 महीने करीब। तो मेरे कार में जो वाइपर है वो काम कर रहा है, लेकिन जो फ्रंट का जो इसका वॉशर है, मीन्स जिससे पानी निकलता है, इसको नोजल से पानी नहीं निकल रहा दोनों से। बट जो रियर में है वाइपर है एंड उसका जो वॉशर है, तो उसमें से पानी निकल रहा है इसके नोजल से। तो मेरे को लगा कि उसमें मतलब नोजल में कचड़ा होगा, तो चलिए एक बार उसको चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसको बैटरी मोड पर डालते हैं। ये देखिए, पहले रियर का चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये काम कर रहा है रियर का, ठीक है। बट सामने का आपको दिखाता हूँ एक बार मैं। एक्चुअली पहले मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ कोई भी छोटी बाल्टी में, बिकॉज पानी नहीं निकलेगा तो ऐसे में वाइपर खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। अब चालू करके दिखाता हूँ, देखना कोई भी नोजल से पानी निकलेगा। एक्चुअली थोड़ा पानी है अभी, ये देखो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। मैं इसको डाल देता हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा दोनों नोजल से। तो एक बार उसको चेक करते हैं अपन, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इंजन बे ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंजन बे ओपन कर चुका हूं मैं एंड यहाँ पे दोनों नोजल लगे हुए हैं। आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको यहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साइड पे दिया रहता है यहाँ पे, ये देखिए, कोई भी स्क्रू ड्राइवर से स्मॉल वाले आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं इसका एंगल। तो देखते हैं इसकी पाइप वगैरह कहाँ लगी है। इसी पाइप तो जुड़ी हुई है यहाँ से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें, पूरा फिट है अच्छे से। बट प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका ये है, इसके अंदर आपको वायर दिख रही होगी, ये देखिए कटी हुई है साला। और काटा किसने होगा आप सभी जानते हैं, इतना अंदर यहाँ पे कौन घुस सकता है, किसने काटा होगा वायर को। ये देखिए, ये वायर है कटी हुई यहाँ से, आप देख सकते हैं ये ऊपर नोजल, उसकी वायर यहाँ से कटी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कौन काटा होगा इसको, कौन काट सकता है। अब मेरे को इसको सर्विस सेंटर ही ले जाना पड़ेगा, नई वायर लगाएंगे वो लोग या जो भी जैसा भी बनाए उसको, बिकॉज आगे से पानी का थ्रो ही नहीं है। तो जैसे कि कई बार बारिश बंद हो जाती है, इन कांच काफ़ी गंदा हो जाता है, तो साफ करना पड़ता है। बारिश के सीजन में तो बहुत ज़रूरत है इसकी। तो जैसे कि किसी की ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी बाहर, मेरी थोड़ी कम है डेली की, तो जिसकी ज़्यादा बाहर की ट्रैवलिंग होगी उनको तो बहुत दिक्कत जाती होगी। अब जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर इसको लेके साला। अरे बारिश हो रही है, इसको बंद करो। सर से उठाया। सो गाइस, यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही बता रहा था, अब सर्विस सेंटर जब जाऊंगा फिर उसके बाद क्या कैसे लोग क्या करते हैं वो भी बता दूंगा आप सभी को मैं, एक पोस्ट के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट जो होती है यूट्यूब में उसके थ्रू। बाय बाय।